तारीख से हम लोग लगातार कंटिन्यू रात दिन बैठे हुए हैं। किसी को भी काट सकता है डेंगू। आज पटना में डेंगू चला हुआ है, चोर से हम लोग हराने का काम करेंगे। अच्छा। नीतीश कुमार चचा भतीजा दोनों के, पलटू राम और तेजस्वी यादव। दो कुमार जी बोले थे 2014 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में कि आप लोग प्रशिक्षण लीजिए, प्रशिक्षण लेने के बाद आप लोग स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करें। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मौजूद है हम गर्दनी बाग में, और आपको बता दें कि ग्रामीण चिकित्सक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कई दिन से, लेकिन जो बिहार सरकार है इनको बरगलाने का काम कर रही है, सुन नहीं रही है, यहीं पर डटे हुए हैं। इन लोगों का क्या मुद्दा है, आइए इन्हीं लोग से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हम डॉक्टर अखिलेश कुमार, राघोपुर। अखिलेश जी, ये बताइए कि आप तेजस्वी यादव के क्षेत्र के हैं, राघोपुर से हैं, और सब राघोपुर के हैं। हाँ, राघोपुर से हैं, और आज आप लोगों का ये दिन आ गया है कि गर्दनी बाग की धरती पर बैठना पड़ा। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो 2020 के चुनाव में अपना मैनोफेस्टो में जो दिए हैं कि अगर मैं सरकार में आऊँगा तो ग्रामीण चिकित्सकों के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करेंगे। अच्छा। तो उस वादा को पूरा करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी नीतीश कुमार जी बोले थे 2014 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में कि आप लोग प्रशिक्षण लीजिए, प्रशिक्षण लेने के बाद आप लोग स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करेंगे। अच्छा। लेकिन आज तक हम लोगों का काम पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आने वाला समय में मरता क्या नहीं करता, फिर हम लोग सरकार के विरोध में जाने का काम करेंगे। 2024 और 25 में उसमें हम लोग सरकार के खिलाफ में जाने का काम करेंगे। खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल खिलाफ जाएंगे। अरे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के बाबू जी मुख्यमंत्री, तब माय बने मुख्यमंत्री, और फिर आप बनने के लिए तैयार हैं अपने मुख्यमंत्री, हम लोग क्या करें? आप लोग रोड पे, हम लोग रोड पे। ये कहानी चलेगा? नहीं चलेगा, चल रहा है अभी। नहीं चलेगा। अबर जवाब देंगे हम लोग। क्या जवाब दीजिए? जवाब देंगे, वोट के चोट से हराएंगे। चोट से हराएंगे? जी, वोट के चोट से हम लोग हराने का काम करेंगे। अच्छा। नीतीश कुमार चचा भतीजा दोनों के, पलटू राम और तेजस्वी यादव दोनों के। आपको रोजगार, आपको जब मांग पूरा कर देंगे तब क्या हो जाएगा? मांग पूरा कर देंगे, जो मेरे मांग पूरा करेगा उनसे कदम कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। अच्छा, तो इतना दिन से आप लोग बैठे हुए, कुछ आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं। आज 30 तारीख से हम लोग लगातार कंटिन्यू रात दिन बैठे हुए हैं। किसी को भी काट सकता है डेंगू। आज पटना में डेंगू चला हुआ है, तो क्या करेंगे, मरेंगे? फेस्टिवल का भी दिन आ रहा है, आप लोग रोड पे हैं। ठीक है, सब छोड़कर राघोपुर से 2014 से ही हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं, और उनके आश्वासन के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है। समाज में पहले जी, हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग डटे रहेंगे। मांग समाज के पहले पायदारी समाप्त हो गई, तब तो हम लोग रोड पर आए हैं। तो हमारे साथ अभी ग्रामीण चिकित्सक थे, जिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में और चुनाव में सरकार को हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिस तरीके से लोग 30 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है कहीं ना कहीं लोगों को बरगला रही है, सुन नहीं रही है। खास करके राघोपुर से ज़्यादा लोग आए हैं, वो तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। तेजस्वी यादव प्रेजेंट में वहाँ से विधायक भी हैं, लेकिन इन लोगों का मांग जो है वो पूरी नहीं की जा रही है। तो बिहार सरकार से लोग अपील कर रहे हैं कि हम लोगों को मांग है जो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।